A tremendous buzz surrounds collagen drinks and supplements because बहुत सी companies and influencers collagen के skin, hair and nails benefits के बारे में बात कर रहे हैं. क्योंकि collagen हमारे इन body tissues का essential part है, so assume किया जाता है कि collagen supplements के लेने से हमारी skin, hair और nails की health improve होगी. But what does the science say about it? क्या collagen supplements actually हमें benefit करता है? Let's find out. Hi, I'm Dr. Sanchika Gupta, MD Dermatologist, The Skin House, Faridabad. आज इस वीडियो में मैं आपके कोलेजन सप्लीमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का आंसर करूंगी. आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले कोलेजन के बारे में समझते हैं. What is कोलेजन? कोलेजन एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के टिश्यूज में पाया जाता है, जैसे कि स्किन, हेयर, नेल्स, बोन्स, टेंडन्स, कार्टिलेजेस. अगर हम अपनी स्किन की बात करें तो कोलेजन कुछ अदर सब्सटेंसेस के साथ, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड या इलास्टिन के साथ मिलकर हमारी स्किन को स्ट्रेंथ देता है, फर्मनेस देता है, इलास्टिसिटी देता है. हमारी बॉडी नेचुरली भी कोलेजन को बनाता है फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ फूड लाइक बोन ब्रॉथ, मीट, फिश, एग्स. बट समय के साथ हमारी बॉडी का कोलेजन प्रोडक्शन भी कम होता चला जाता है बिकॉज ऑफ फैक्टर्स लाइक एजिंग, सन एक्सपोजर, एल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग. अब हम बात करेंगे कि कोलेजन सप्लीमेंट्स मार्केट में किस किस फॉर्म में अवेलेबल हैं. मार्केट में कुछ क्रीम्स या सीरम्स भी आते हैं जिसमें कोलेजन एज इंग्रीडियंट प्रेजेंट है, बट इन क्रीम्स की कितनी एफिकेसी है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी डाउटफुल. बिकॉज कोलेजन नेचुरली हमारी स्किन की सुपरफिशियल लेयर में प्रेजेंट नहीं रहता. कोलेजन हमारी स्किन की डीपर लेयर्स में प्रेजेंट होता है. क्योंकि कोलेजन पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, वो आपकी स्किन की आउटर लेयर्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाता और आपकी स्किन की डीपर लेयर्स तक नहीं पहुंच पाता. कोलेजन सप्लीमेंट्स ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ पिल्स और पाउडर्स. कोलेजन जिस फॉर्म में यूज किया जाता है दैट इज हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन, जिसे हम कोलेजन हाइड्रोलाइसेट भी बोलते हैं. यह कोलेजन एनिमल सोर्स से डिराइव्ड होता है. अगर ये कोलेजन को कैटल से लिया गया है तो इसे बोवाइन सोर्स बोलते हैं. अगर ये सी फूड से डिराइव होता है तो इसे हम मरीन सोर्स बोलते हैं. या फिर अगर इस कोलेजन को चिकन या एग शेल से लिया गया है तो इसे पोल्ट्री सोर्स बोला जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द क्लेम्ड बेनिफिट्स ऑफ कोलेजन सप्लीमेंट्स. कोलेजन क्योंकि हमारे स्किन का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, सो ये क्लेम किया जाता है कि कोलेजन सप्लीमेंट लेने से हमारी स्किन का हेल्थ इम्प्रूव होता है. कोलेजन सप्लीमेंट्स हमारी स्किन के फाइन लाइंस, रिंकल्स, इलास्टिसिटी या हाइड्रेशन लेवल को इम्प्रूव करते हैं. कोलेजन सप्लीमेंट्स हमारे हेयर एंड नेल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकता है, ऑल्दो मोर रिसर्च इज नीडेड इन दैट. क्योंकि कोलेजन हमारे जॉइंट्स में, बोन्स में या मसल्स में भी प्रेजेंट रहता है. एंड जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा कोलेजन प्रोडक्शन कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से कुछ जॉइंट प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या बोन प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस या रिड्यूस्ड मसल मास की प्रॉब्लम आने लगती है, तो ऐसे केसेस में भी कोलेजन सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए जाते हैं. इनके साथ साथ कोलेजन सप्लीमेंट्स आपकी हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ एंड गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, ऑल्दो मोर रिसर्च इज नीडेड इन दिस एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, दैट इज कि क्या कोलेजन के कोई नेचुरल सोर्सेज हैं जिसके कंजम्पशन से हम कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं. यस, कोलेजन के कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं जैसे कि बोन ब्रॉथ, चिकन, रेड मीट, फिश, एग्स. ऑल्सो कुछ वेजिटेरियन लोग भी पूछते हैं कि क्या कोलेजन का कोई प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट भी है, और अगर है तो क्या वो इक्वली इफेक्टिव है. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोलेजन एनिमल डेराइव्ड ही होता है, कोलेजन का कोई वीगन सब्स्टिट्यूट नहीं होता. प्लांट बेस्ड कोलेजन इज नॉट एक्चुअल कोलेजन, बट इट इज कोलेजन बूस्टर्स, यानी कि ये हमारी बॉडी को कोलेजन बनाने में हेल्प करते हैं. नाउ व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ दीज कोलेजन सप्लीमेंट्स. कुछ रिसर्चेस बताती हैं कि एडल्ट्स कैन सेफली कंज्यूम बिटवीन 2.5 टू 15 ग्राम्स ऑफ कोलेजन अ डे. सो कोलेजन सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपने सप्लीमेंट के लेबल को जरूर पढ़िए कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ कोलेजन प्रेजेंट है. अब हम बात करते हैं कि साइंस क्या कहती है. आर दीज कोलेजन सप्लीमेंट्स रियली इफेक्टिव? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें 19 स्टडीज को रिव्यू किया गया, विच हैड अ टोटल ऑफ 1125 पार्टिसिपेंट्स हु नोटिस्ड इम्प्रूवमेंट इन देयर स्किन क्वालिटी
They noticed improvement in firmness, suppleness and moisture content of skin and उन्हें लगा कि उनके skin के wrinkles less noticeable हुए. That sounds promising, but ये clear नहीं है कि ये skin improvements क्या actually collagen की वजह से थे, because इन सभी trials में commercially available supplements का इस्तेमाल किया गया था जिनमें collagen के अलावा vitamins, minerals, hyaluronic acid, antioxidants, coenzyme Q10 या chondroitin sulfate जैसे ingredients भी थे. So there is no clear-cut scientific evidence which proves efficacy of these collagen supplements. क्या इन collagen supplements के कोई side effects reported हैं? इन collagen supplements के कोई side effects reported नहीं है, but कुछ females जो pregnant हैं या breastfeeding हैं, इन collagen supplements को लेने से पहले आप अपने doctor को जरूर consult कीजिए. I hope इस video से आपको collagen supplements से related सभी questions का answer मिला होगा. ऐसी और health related videos को देखते रहने के लिए आप हमारे channel के साथ जुड़े रहिए. Thank you.